Now, let's start discussing this problem. In fact, इस problem में concept और logic वही है जो हमने circular motion में vertical circular motion में एक logic को जो समझाता वही है. मैंने बताया था कि एक particle को धागे से बांध दिया जाए, एक particle को धागे से बांध दिया जाए और उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाए vertical path में, वो ऐसे ऐसे circular motion कर रहा. तो वर्टिकल पाथ में ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगी, उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम होगी और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. और हम कहते हैं उसमें उसके सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए हमने एक कंडीशन बताई थी एंड दैट कंडीशन वॉज कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस करते समय वह चीज बताई थी. इसी कंसेप्ट को हम इधर दोबारा अप्लाई करेंगे. इधर धागा नहीं है, इधर एक सर्कुलर लूप है, इसमें कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यह देखते हैं. अब फॉर completing the circular path, अब जरा सोचिए यदि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करता है तो कैसे नहीं करेगा. ये या तो यहां तक आए और लौट जाए या यहां तक आए और कुछ ऐसे पाथ में चला जाए. हम कहते हैं यदि यह पार्टिकल इस लूप के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट तक आ गया तो यह सर्कुलर मोशन को कंप्लीट जरूर करेगा. सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इस पार्टिकल को इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना चाहिए. टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये इस सर्कुलर लूप के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए. इस पॉइंट पर यदि यह लूप के कॉन्टैक्ट में रहा तो सर्कुलर मोशन जरूर करेगा. इट शुड नॉट लूज कॉन्टैक्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. It should not lose contact at the topmost point. Hence, at topmost point, hence normal reaction must be greater than equal to zero. Here, इस जगह पर normal reaction greater than equal to zero होना चाहिए. अब, let's draw free body diagram at this point कि normal reaction greater than equal to zero कैसे होगी? यहां सर्कुलर ट्रैक का टॉप मोस्ट पॉइंट है. इस जगह पर इस पार्टिकल के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कैसे. नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन वुड बी लाइक दिस. पर ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कैसे. ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लगेगा कि जब यह पार्टिकल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इस इंस्टेंट पर है तो यह सर्कुलर मोशन v वेलोसिटी से कर रहा है. और यदि यह सर्कुलर मोशन v वेलोसिटी से कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r लगेगा रेडियली आउटवर्ड. इस प्र
फ्री बॉडी डायग्राम को देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय में जो एनालिसिस कर रहा हूं, इस समय जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, ये किस रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है? यह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बनाया हुआ है? ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इस समय बनाया है, जब यह पार्टिकल इस सिचुएशन पर है, इस सिचुएशन के लिए मैंने यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस सिचुएशन के लिए यह जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए मैंने जो रेफरेंस फ्रेम रखा है वह इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? Whoever is having the mic, आपको आंसर देना पड़ेगा, या तो आप माइक रखेंगे नहीं या फिर फटाफट आंसर दीजिए। Whoever is having the mic, प्लीज हाथ रेस कर दे, माइक को रेस कर दे जरा। पास में किसके पास में? नहीं, माइक पास नहीं कर सकते साथी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, Whoever is having the mic? The non inertial frame. नॉन-इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा? किसका? ऑफ द सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। खास बात, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडिकेट करी है। जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडिकेट कर देते हैं, रेडियली आउटवर्ड फोर्स इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ। इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ और सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ करा है, ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ड्रॉ करा है। और इसकी वजह है कि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दिया, हमने सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का कोई एक्सीलरेशन इंडिकेट ही नहीं करा। यदि हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करते, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करते समय हम इस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिखाते और हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाते। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाते हैं, मैं उसे भी इधर बना देता हूं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाते। यह पार्टिकल जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वी वेलोसिटी से मूव करते हुए इस पार्टिकल पर सबसे पहले हम एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय आर दिखाते। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता है, एंड दैट एक्सीलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट। सिंस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इसलिए वी स्क्वायर बाय आर लिखा है। और इसके साथ में हम दिखाते हैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन एन। हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। दिस इज इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। खास बात, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम में हल्का सा डिफरेंस जरूर दिख रहा है, मगर फाइनल इक्वेशन जो हम लिखेंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, n प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसमें हम ऐसे लिखेंगे,
जबकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम लिखेंगे एन प्लस एम जी, यह एक्सीलरेटिंग फोर्स है, एम बी रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन है, एम जी भी इनवर्ट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन दिख रही है, इधर हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा, इधर डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, मगर फाइनल इक्वेशन दोनों ही केस में एक जैसी दिख रही है, कोई फर्क नहीं दिख रहा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन को चाहे हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखें चाहे हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखें, फाइनल इक्वेशन एक जैसी बनती है, फाइनली रिजल्ट एक जैसे आते हैं, फाइनली आंसर एक जैसे आते हैं। अब जो खास हमसे सवाल पूछा गया, यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यह कॉन्टैक्ट कभी भी लूज नहीं करेगा, यदि टॉप मोस्ट पॉइंट पर कॉन्टैक्ट बना रहता है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन ग्रेडिएंट इक्वल टू जीरो होता है, तो मैं कहता हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉट लूजिंग द कॉन्टैक्ट, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कुलर मोशन। मैंने पहले इधर से n की वैल्यू लिखी, n क्या है, एम जी को इधर ले गया, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, दिस इज n, n इज इक्वल टू दिस, नाउ फॉर नॉट लूजिंग द कॉन्टैक्ट दिस n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बिल्कुल वही वाली बात हुई जैसे धागे और पत्थर के केस में मैंने कहा था कि धागे में जो टेंशन है वो हमेशा बना रहना चाहिए, टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी टेंशन बना रहना चाहिए, टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, टेंशन कभी भी जीरो से कम नहीं हो जाए, जीरो भी नहीं हो इनफैक्ट। फ्रॉम दिस इक्वेशन एल से एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी और वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जी आर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर यह वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वह कॉन्टैक्ट कभी भी लूज नहीं करेगा। ये तो हुआ सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, ये तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हुआ। अब हम वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से वह चीज डिटरमाइन करते जो हमसे पूछी गई है। हमसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट पार्टिकल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस हाइट पूछी गई है। अब इधर हम कहते हैं जब यहां पार्टिकल को हमने इस पॉइंट से रिलीज कहा और यह पार्टिकल इस स्मूथ ट्रैक पर ट्रेवल करता हुआ यहां से यहां तक पहुंचा, तो सिंस द ट्रैक इज स्मूथ देयर इज नो फ्रिक्शन, हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व, हम कहेंगे इधर इनिशियल कंडीशन कहता हूं, दिस इज इनिशियल कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल कंडीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल कंडीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो क्योंकि इनिशियली इट्स रिलीज एट रेस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है,
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, मैं इसे रेफरेंस बोल देता हूं, दिस इज द रेफरेंस। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ही वेरिएशन आ रहा है, तो हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखने की आवश्यकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस हियर इज एन जी इंटू एच, वाइल हियर इट्स एम जी इंटू टू आर। अब मैं लॉजिक लगा देता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर जीरो प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस टू एम जी आर, एम थ्रो आउट कैंसल्ड, थ्रो आउट एम कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको, और वी स्क्वायर की वैल्यू जो दिखने लगी है मुझे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच GH माइनस 2GR इंटू 2। री स्क्वायर, बट जैसा हमने कहा है दैट दिस री स्क्वायर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, इस री स्क्वायर की कंडीशन हमने पहले ही लिख रखी है that this v square must be greater than equal to gr. So this v square, इस v square की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूं g into h minus और 2g into h minus 2r, 2g into h minus 2r must be greater than equal to gr. जी थ्रॉ कैंसल, एंड दिस एच कम्स आउट टू बी, एच कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए इसको, एच माइनस टू आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर बाय टू, टू आर का चला गया, एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5R by 2. This is the complete problem. अब इसी problem का एक extension दे रहा हूं, इसी प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन, ध्यान से सुनना। इफ दिस हाइट इज, इफ एच इज इक्वल टू 8R, देन व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। इफ अ फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा पार्ट दिया है मैंने, पार्ट टू इज इफ हाइट इज इक्वल टू 8R, टेल मी नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ लूप। इस लूप के अंदर
height 8R ho gaya. Now this 8R is greater than 5/2R. हमने अभी अभी ये बात समझी है कि circular motion complete करने के लिए ये जो height है इसकी कम से कम value 5/2R होनी चाहिए. 5/2R से ज्यादा हुआ तो circular motion अवश्य complete होएगा. ठीक है, हमने height 5/2R से ज्यादा ले ली. ये जो height है, ये जो हाइट h है, ये हमने 8r ले ली. अब यदि ये हाइट 8r ले ली, then tell me what is the normal reaction at the top of the loop and at the bottom of the loop? क्योंकि अब सर्कुलर मोशन तो अवश्य कंप्लीट होगा, और अब यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तो दोनों चीज डिटरमाइन की जा सकती है. क्या इसी समय सोच समझ कर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करोगे? इनफैक्ट नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश WPE. अब हम WPE को फिनिश डिक्लेयर करने ही वाले हैं. कुछ इस तरह से एक दो केस और डिस्कस करते हैं और अब इसके बाद आप पूरी स्पीड से स्टडी पैकेज को सॉल्व करो. जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हो कर लो, जो नहीं कर पाते हो उनको मार्क करो, हम डिस्कशन करेंगे. और इसके बाद जो अगला टॉपिक हम करेंगे दैट इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वह टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इस प्रॉब्लम को बदल, चलिए क्या इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चालू करें. मैं प्रॉब्लम को करने का क्लू बता देता हूं. इस प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा के पहले टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली जाएगी और फिर सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा के नॉर्मल रिएक्शन निकाला जाएगा. देखिए मैं करके दिखाता हूं. लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर और मुझे दोनों सिचुएशन को कंसिडर करना होगा. मैं ये कंसेप्ट लिखा रहने देता हूं और अब मैं पहले सॉल्व करता हूं बॉटम पॉइंट के लिए. मैं पहले बॉटम पॉइंट के लिए सॉल्व करूंगा फिर टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए सॉल्व करूंगा. दिस इज बॉटम पॉइंट. यह पार्टिकल ऊपर से स्लाइड होता हुआ इधर तक आया. अब जब यह इधर तक आया तो मैं कहता हूं इधर से इधर तक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर हाफ एम वी वन स्क्वायर लिख देता हूं और पोटेंशियल एनर्जी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी इधर हो जाएगी जीरो. एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा लगेगा. हियर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, हियर हाइट इज h, हियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, इधर मैं इसकी वेलोसिटी वी वन लिख दी. क्योंकि यह बॉटम पॉइंट पर आ गया, रेफरेंस पॉइंट पर आ गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो. अब मैं यह कंसेप्ट लगा रहा हूं एट द बॉटम ऑफ लूप. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी is equal to final kinetic energy plus potential energy. इधर से मुझको V1 square आ गया 2GH, H की जगह 8R और 16GR. यह V1 square. अब at the bottom point, यह bottom point है. इस बॉटम पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं
मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करना पसंद कर रहा हूं। एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा ही, और साथ में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक एमवी स्क्वायर बाय आर भी नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी वन है, इसलिए एम वी वन स्क्वायर बाय आर भी लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ऐसे, और मैं कहूंगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी वन स्क्वायर बाय आर, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी प्लस वी वन स्क्वायर की जगह लिख दूं एम बाय आर इंटू 16 जी आर, और दिस नॉर्मल रिएक्शन इज 17 एम जी। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम ऑफ लूप। यदि मैंने नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम ऑफ लूप लिख दिया तो क्या अब आप दोबारा एक बार प्रयास करोगे नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप ऑफ लूप लिखने के लिए? ट्राई इट आउट। अब एक टॉप पर आप निकालने की कोशिश कर लो।